नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुल 20 निर्माणाधीन परियोजनाओं की डीएम के द्वारा कराई गई जांच में बड़ा घोटाला सामने आने पर 4 अधिशासी अभियंता, 5 अवरीय अभियंता समेत 11 लोगों पर शासकीय धन के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 अन्य भी अवर अभियंता पद से सेवानिवृत्त लोग हैं। बताते हैं कि सीएमओ के द्वारा इस संबंध में पत्र लिखने के बाद डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और डीआरडीए के सहायक अभियंता के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के हो रहे निर्माण कार्यों की जांच कराई थी। विलंब होने के साथ ही लागत धन काफी खर्चा होने पर या प्रथम दृष्टया धन के गमन का मामला सामने प्रतीत हो रहा था। रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के जेई रामनयन प्रसाद ने अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कार्यदायी संस्था UPRNSS द्वारा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कुल 20 परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में कई अनियमितताएं मिली हैं। निर्माण की गति भी काफी धीमी है, इसी लेकर कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन कार्यदायी संस्था से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जांच में सामने आया कि आवंटित धनराशि का 100% उपयोग संबंधित कार्यों पर न कर प्रथम दृष्टया शासकीय धन गबन किया गया है। जांच के मुताबिक कुल 14 परियोजनाओं में किए गए कार्य की वास्तविक लागत से 53.16 लाख रुपए अधिक व्यय हुआ है, जिसमें संबंधित अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी मिले। स्वास्थ्य विभाग के जेई रामनारायण प्रसाद ने 11 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अधिशासी अभियंता आजमगढ़ मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता मऊ जेपीएन सिंह, अधिशासी अभियंता गोरखपुर विनय सिंह और अधिशासी अभियंता कानपुर राघवेंद्र द्विवेदी शामिल हैं। वही अवर अभियंताओं में सेवानिवृत्त योगेंद्र गिरी, वीरेंद्र कुमार यादव आजमगढ़, सेवानिवृत्त अमरजीत वर्मा, विवेक प्रताप सिंह गोरखपुर, यादवेंद्र यादव अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी आजमगढ़, राजेंद्र सिंह यादव अवर अभियंता मऊ और अनुबंधित अवर अभियंता विजय यादव शामिल हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग में कुछ निर्माण कार्य में गड़बड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मामला था? ये पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 105/23 धारा 409 का कायम किया गया है, जिसमें 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, 5 जूनियर इंजीनियर्स और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कायम किया गया है। सीएमओ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जिसमें कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी जांच डीएम सर के द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी व डीआरडीए को जांच सौंपी गई और ये जानकारी करी कि ये क्यों लंबित है। प्रथम दृष्टया ये मामला 53.16 लाख अधिक खर्च करने का व प्रथम दृष्टया शासकीय धन के गबन का मामला संज्ञान में आने के कारण ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलित कर शीघ्र ही कार्रवाई कर न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित करी जाएगी। सर, ये अभियंता किस कार्यदायी संस्था के हैं? ये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के ये अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।